सालों के संघर्ष के बाद में अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती हूँ। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं। वो विश्व का एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है, उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर एक तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई, खुदाई में सबूत मिल गए, सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया, उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतीकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है, दूसरा कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे, जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था, जिंदा रह गए तो दुख हुआ, बहुत दुख हुआ था। क्योंकि जब 2 नवंबर को जिस कार सेवा का नेतृत्व मैंने किया था उसमें एक दूसरा जत्था अलग हो गया था हमसे, अचानक कुछ उत्साही नौजवानों का, और वो सीधे हनुमानगढ़ी की ओर बढ़े। वो बहुत बहादुर लोग थे, उसमें राम और शरद कोठारी दोनों सगे भाई थे, दोनों उस दिन गोली से मार दिए गए थे। तो इसलिए मैं तो समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता मुलायम सिंह को हमेशा कार सेवकों का हत्यारा ही कहती रही, जबकि उनको मैं बड़े भाई जैसा मानती थी, और मैं उस बात को कभी भूली नहीं कि वो बलिदान हो गए और हम जीवित रह गए। आपका दिन बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे, आप कैसे कहोगे योगदान, 500 साल के संघर्ष में। सबसे पहला संघर्ष तो हनुमानगढ़ी के महंतों ने किया था, जब जिस दिन वो मंदिर तोड़ा गया था उस समय पे, मीर बकी के टाइम पे, तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका था। उसके बाद तो बहुत साधु संतों ने, नागा साधुओं ने, वैष्णव साधुओं ने, राजा छत्रपाल की सेना ने, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने, राजा रणजीत सिंह की सेना ने वहां आकर के संघर्ष किए हैं और उन प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो इसलिए वो तो निरंतर चला है, मतलब आखिरी बलिदान था राम और शरद कोठारी का, तो बलिदानों की एक पूरी परंपरा चली है। तो उसमें हमारा कोई योगदान रहा वो यही रहा कि आखिरी समय पर अशोक जी सिंघल जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हो गए थे और उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तय कर चुके थे कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे लेकिन हम अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब डिमोलिशन हुआ उस, जब बाबरी मस्जिद का, उसमें आपको आरोप ढांचे का आपको भी उसमें आरोपी बना दिया? हाँ, मैं सीबीआई ने हमको चार्जशीट किया, हमारा ट्रायल हुआ। और आप देखिए हमारी निष्पक्षता, लोग कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं, जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब सीबीआई ने हमको चार्जशीट किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की, हमारी जो जांचें चल रही थी उसमें कोई बीच में विघ्न नहीं डाला। सीबीआई ने हमको चार्जशीट किया और उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में एविडेंसेस प्रस्तुत किए तो माननीय कोर्ट ने उन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं माना, तो माननीय कोर्ट ने हमको बरी किया। इससे यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी निष्पक्ष रहती हैं इन मामलों में जो हमारे ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगता है। और इसलिए ये इस पूरी श्रृंखला में तो मैं रही हूं जिसमें कि मुझे पहले दोषी माना गया, फिर चार्जशीट हुई, फिर कोर्ट के ट्रायल हुए और फिर उसके बाद में हमको बेकसूर कहा गया। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी इसमें बेकसूर होना और कसूरवार होना महत्व नहीं रखता था, इसमें तो जो उस दिन बलिदान हो गए वो महत्व रखता था। रथ यात्रा भी निकली अडवाणी जी ने, रथ यात्रा निकाली, अडवाणी जी ने परवाह भी नहीं की कि हम विश्वनाथ प्रताप सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह घड़ी घड़ी अपना रंग बदल रहे थे, कभी कार सेवा के लिए हां भर रहे थे, कभी शिलान्यास के लिए ना कर रहे थे, और अंत में लालू यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए अडवाणी जी का रथ रोक लिया, जो कि केंद्र की सरकार के समर्थक थे। हम जानते थे कि अब सरकार गिर जाएगी और हम सरकार के सपोर्टर हैं, पर हमको ये भी पता था मुलायम सिंह की सरकार भी गिरा लेंगे, वो सब हो गया।
लेकिन हम तो किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार थे। आज ANI जब मुझसे पूछ रहा है तो मैं अडवाणी जी का एक छोटा सा प्रसंग सुना सकती हूँ, अगर आप उसको अनकट रखें तो। जब हम माता टीला की जेल में एक महीने रहे हैं, 6 लोग, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरि डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी। हम 6 लोग माता टीला जेल में एक महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहां पर अडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे, तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, कैदियों की तरफ से अडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। उन्होंने कहा अडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहले। तो मैंने उनको कहा अडवाणी जी को, तो अडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चूहा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं, नहीं अडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये अडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूँ ANI को। तो आप ऐसे कितने लोगों को याद करेंगे जो वहां मर गए थे, जो वहां मर जाने के लिए आतुर थे और जो पछता रहे हैं कि हम वहां नहीं मरे। इस दौरान निधि जो कांग्रेस का जो वो रहा पूरा राम मंदिर को लेके स्टैंड रहा, वो कभी कई बार क्वेश्चन ये भी हो गया कि राम जी है, अस्तित्व की बात भी आ गई, तो ये सब पूरा विपक्षी पार्टियों को आप इसमें कैसे देखते हैं? इसमें क्या था, असल में कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो स्प्लिट पर्सनालिटी की थी, उनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पे ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था, वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि जब रामलला वहां प्रकट हो गए 1949 बोलेंगे ना उसको, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली कि हिंदू तो जाति पे बटा हुआ है तो हम इसका वोट लेते रहेंगे, मुसलमान एकजुट वोट डालता है तो इसका भी वोट लेते रहेंगे, और ये नीति उनकी आज तक है। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो राहुल गांधी के अंदर भी लगे सी चली आ रही है, यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मेरे से हार गए थे फिर दिग्विजय सिंह जी, वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वो स्वयं राघवगढ़ में रामलला के भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन उनको लगता है कि अयोध्या को क्रिटिसाइज करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। अब क्या हो गया, मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सारे अल्पसंख्यकों में भी एकजुटता आ जाएगी कि हमें एक साथ रहना इस देश में, को एग्जिस्टेंस की भावना आ जाएगी। ये मोदी जी ले आएंगे, यही रामलला के कारण आ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए मुसलमान कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमान में जो झूला है तो बेचारे तय नहीं कर पाते हैं, वो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, उनका अभी हाल ही में बयान आया था, उनका कहना है कि जो पुरानी मूर्ति है भगवान जी की वो कहाँ है, उसको वो न्यास वाले उसका जवाब देंगे ना, रामलला है वहां पर। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलती हूँ उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो, मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहे वहां, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। और कई इंडिया अलायंस बन गया, तो इंडिया अलायंस के भी लोगों को जैसे खड़गे जी को उनको भी नियुक्त किया हुआ, कई लोग को नियुक्त किया हुआ, तो क्या लगता है? मैं तो उनको ये कहूंगी कि इस सम्मान का अवसर है, ये ऑनर की घड़ी है, भारत के राष्ट्रीय अस्मिता की घड़ी है, और आप मुसलमानों का व्यवहार देखिए साहब, शिलान्यास के समय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समय, आज प्राण प्रतिष्ठा के समय, पूरे मुस्लिम समुदाय ने माननीय कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं ओबीसी जी को और खड़गे जी को, क्योंकि सब एक ही जात है, ये क्या है, इनके केमिकल अलग अलग है लेकिन इनकी इनके जो जिसको कहते हैं ना मूल तत्व एक ही, वो है कि ये राजनीति करते हैं जातिवाद की, परिवारवाद की और सांप्रदायिकता की, इसलिए गोत्र इनका एक ही है, चाहे भले ही इनके नाम पार्टियों के अलग अलग हों। इन सबको मैं अपील करूंगी कि उस दिन सारे लोग आइए, वहां बैठिए शांति से, देखिए प्राण प्रतिष्ठा को, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है,
राम तो सारे ब्रह्मांड के प्राण हैं, ये राष्ट्र की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। आप सब आइए, सब पार्टिसिपेट करिए, बैठिए शांति से आके। इसमें है UDF के हैं असम, तो उनका कहना है कि उस दिन जिस दिन ये सब प्राण प्रतिष्ठा होना, उस दिन उन्होंने मुस्लिमों को कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा है कि उस दिन ज्यादा ट्रेवल ना करें, इधर उधर जाए ना, तो क्या ये फरकाने वाला या इस तरीके का? आप ये बताओ मुझे, 1985 से आंदोलन चला है, क्योंकि मैं 1985 से ही आंदोलन में भागीदारी की है मैंने। जब ना आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो शुरू हुआ, तब से मेरी भागीदारी रही है। 22 जनवरी तक जब रामलला वहां विराजमान हो रहे होंगे, मेरे प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, मैं उस अमूल्य घड़ी को देख रही होंगी। तब से लेके आज तक इतने अभियान हमारे चले, इतनी गोलियां हम पे चली, इतनी लाठियां हम पे चली, इतने हमारे लोग। आपने कभी सुना किसी कार सेवक ने किसी मस्जिद पे पत्थर मारा हो? आपने कभी सुना किसी कार सेवक ने कभी पुलिस की गाड़ी पे हमला किया हो? आपने कभी सुना कि हमने लौट करके कभी किसी पर हमला किया हो, मारा हो पलट करके? हमने मार खाई, लाठियां खाई, गोलियां खाई, हमारी हैसियत बहुत बड़ी थी, हमारी ताकत बहुत बड़ी थी, हम लाखों की संख्या में इकट्ठे होते थे, हम लाठी खाते थे, मार खाते थे, लेकिन हमने तय कर रखा था कि शौर्य का प्रदर्शन तो सीमा पर ही ठीक है, सीमा के अंदर शौर्य का प्रदर्शन नहीं, आत्मबल का प्रदर्शन करना है, नैतिक बल का प्रदर्शन करना है, आस्था की शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसलिए हम पे ये बात कहना ही अन्यायपूर्ण है, गलत है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है इन बातों को, और जो नौजवान है मुसलमानों के, जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, वो इन बातों को सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये जो मुस्लिम नेता फड़फड़ा रहे हैं, जो विभाजन की राजनीति, ये खून चूसी राजनीति है, खून पी करके लोगों को लड़ा करके, उनकी लड़ाई करा के और फिर राजनीति करना, ये सब घबरा गए, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। बाकी मैं ऐसे लोगों के नाम भी नहीं लूंगी, इस लायक नहीं इनके नाम लिए जाएं। राम मंदिर के बाद में अब ज्ञान सामने मुद्दा चल ही रहा है, और कृष्ण जन्मभूमि की भी बात चली रही है। ये तो जब 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से प्रथम वक्ता बनी थी इसमें सदन के अंदर, और आडवाणी जी ने कहा था उमा बोलेगी इस पे, बहस को ओपन मैंने किया था बीजेपी की तरफ से। तो मैंने तो उसी समय कहा था कि आपने इस वर्शिप बिल में से अयोध्या को बाहर कर दिया है, ये कह के कि ये विवादास्पद है, इसके अलावा सब ढांचे आपने 1947 की स्थिति के लिए कहा है। तो मैंने कहा कि आप इसमें से मथुरा और काशी को और निकाल दीजिए, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीन हिंदुओं के आराध्य के स्थल हैं, और ये वैसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस पे भी बाद में लोगों की आकांक्षा बनी रहेगी कि ये बन जाए, और अगर आप इन तीनों को शांत कर देंगे तो हिंदू इतने बड़े दिल का होता है कि फिर वो सब भूल जाएगा। इसलिए आप अपना दिल बड़ा करिए, क्योंकि तीनों जगह पर जो स्थान बनाए हैं मुसलमान इन्वेडर्स ने, वो उनके धार्मिक स्थान नहीं है, वो मक्का मदीना है, तो यहाँ कोई मक्का मदीना नहीं है, वो वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, यहाँ कोई वेटिकन सिटी नहीं है, उनके आस्था का केंद्र बिंदु यहाँ कोई नहीं है, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी में, और ये तीनों हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम कृष्ण और शिव, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, इसलिए इनके इनमें आस्था का टकराव नहीं है। तो आप ये तीनों स्थान बाहर कर दीजिए इस विधेयक से, और तीनों पर मंदिर का निर्माण होने दीजिए। तो मैं तो पहले से कह रही हूं कि मथुरा और काशी पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो अभी भी नहीं हुआ है, ना काशी में हुआ है ना मथुरा में हुआ, होना चाहिए। जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहीं मंदिर बनना चाहिए, और जहाँ काशी विश्वनाथ विराजमान है वहीं मंदिर बनना चाहिए। अभी पूरा देश राममय हो गया है, विदेशों से भी राम धुन पे कई कई चीजें आने लगी हुई, तो क्या एक जो हम लोग की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और भी जैसे आप लोग ने तो बहुत इसमें संघर्ष किया, क्या मैसेज है पूरे आने वाले समय? अब आप इसमें आप देखिए इसमें क्या मैसेज आने वाला है, मैसेज आने वाला है राम राज्य का। राम कौन है, राम की पहचान क्या है? राम भगवान के अवतार हैं। ये तो वो लोग मानते हैं जो अवतारों को मानते हैं, लेकिन आर्य समाजी तो भगवान को निर्गुण और निराकार मानते हैं, लेकिन वो भी इस आंदोलन में भागीदारी किए हैं, जो क्योंकि सनातन धर्म की दोनों परंपराएं हैं, निर्गुण को भी मानने की और सगुण को भी मानने की। जो मानते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते हैं, निराकार होते हैं, वो भी इसमें जुड़े रहे, और जो ये मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिए थे वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है।
किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा, इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था। इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को, निकल जा मेरे राज्य से बाहर। जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का, वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उस पर व्यभिचार का आरोप ना हो और आरोप लगाने वाले को वो दंडित ना करे। यदि एक बीच में बात आई थी, मूर्ति जी निश्चानंद सरस्वती जी आए थे, उन्होंने एक बात कही कि जो 5 एकड़ जो जमीन है वो मुस्लिम समुदाय को दे दी बनाने के लिए, उनके बल्कि वो क्यों दी, उनका क्वेश्चन ये रहा। पुरी के शंकराचार्य जी हैं माननीय निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज, और वो हमारे देश में भारतीय संस्कृति के और भारतीय आगम के सबसे बड़े ज्ञाता है। उनके बराबर का ज्ञाता अभी भारत भूमि पर कोई नहीं है, ज्ञात और अज्ञात। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, उज्जैनी में उठाया है और यहाँ पर भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि न्यास के पास इसका पूरा जवाब होगा, राम भद्राचार्य जी के पास इसका जवाब होगा, और हमारे महंत जो नृत्य गोपाल दास महाराज है उनके पास होगा कि जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम तबके को दी गई है, जो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है, हम तो उनका नाम नहीं ले सकते, वैसे मैंने नाम ले दिया गलती से, शंकराचार्य जी महाराज ने जो कहा है वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनको उनको सही ही दिया जाएगा, और शायद जवाब तो हम दे नहीं सकते उनको, मतलब उनके सामने विषय का प्रस्तुतिकरण होगा, मुझे लगता अवश्य होगा इस विषय का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है।